हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। उनका नाम था रमेश, सुरेश और उमेश। उन तीनों की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद उनके गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, रमेश, सुरेश और उमेश, तुम तीनों की पढ़ाई खत्म हो गई है। अब तुम तीनों को अपने अपने हिसाब से रास्ता बनाकर जीवन में आगे बढ़ना है। मैं तुम तीनों को एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम तीनों को उसका अपने अंतर्मन के अनुसार प्रयोग करना है। ऐसा कहकर गुरुजी ने उन तीनों को एक एक पोटली दे दी। गुरुजी, इसमें क्या है? उमेश, इसमें चावल है और तुम तीनों को उसका अपने अंतर्मन के अनुसार प्रयोग करना है। जी गुरुजी, हम जरूर इसका प्रयोग करेंगे। यह कहकर वो तीनों अपनी अपनी पोटली लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचने के बाद सुरेश अपनी पोटली देखकर सोचने लगा, एक गुरुजी ने उपहार दिया है, उसको मैं जीवन भर संभाल कर रखूंगा। रोज सुबह उसको प्रणाम करके अपने जीवन की शुरुआत करूंगा। इस पोटली को मैं भगवान के मंदिर में रख देता हूँ। वही उमेश भी अपने घर पहुंचने के बाद सोचने लगा, गुरुजी ने हमें ये चावल क्यों दिए होंगे? शायद इन चावल में बहुत शक्ति है। मैं इनको खाऊंगा और बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। और उमेश ने उस चावल को खा गया। वही रमेश भी अपनी पोटली लेकर सोच रहा था, गुरुजी ने हमें ये चावल क्यों दिए और कहा इसे अपने अंतर्मन के अनुसार प्रयोग करना। प्रयोग करना हो ना हो, इसमें गुरुजी की कोई ना कोई मंशा जरूर है। आखिर इन चावल का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? क्यों ना मैं इन चावल का और बढ़ा सकूं? फिर कुछ दिनों बाद गुरुजी रमेश, सुरेश और उमेश का हाल जानने के लिए उनके घर गए। गुरुजी पहले उमेश के घर गए। उमेश, मैंने तुम्हें जो पोटली दी थी उसका तुमने कैसे इस्तेमाल किया? गुरुजी, मैंने देखा कि वो चावल बहुत अच्छे किस्म के हैं, इसलिए मैंने उन्हें उबाल कर खा गया। उससे मुझे बहुत बल मिला। ठीक है उमेश, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें उन चावल से बल मिला। अब गुरुजी सुरेश के घर पहुंचे। अरे सुरेश, मैंने तुम्हें उपहार में जो चावल दिए थे उसका तुमने क्या किया? उमेश ने तो उन्हें उबालकर खा गया। क्या उबालकर खा गया? मैंने ऐसा नहीं किया। गुरुजी, जब मैं घर आया तब मैंने उन चावल का निरीक्षण किया। मैं समझ गया एक कोई साधारण चावल नहीं है। मैंने वो चावल की पोटली भगवान के मंदिर में रख दी। हर सुबह उसको प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत करता हूँ और इससे मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। शाबाश सुरेश, मुझे खुशी है मेरी दी हुई भेंट तुम्हें प्रेरणा का स्रोत बनी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ, लेकिन कुछ दिनों से उनमें कीड़े लगे हैं और बांस भी आने लगी है। उसके लिए उपाय बताइए। सुरेश, उन चावल का काम पूरा हुआ, अब उन्हें फेंक दो। फिर गुरुजी वहां से निकलकर रमेश के घर चले गए। रमेश भी गुरुजी को देखकर बड़ा खुश हो गया। गुरुजी, आपका स्वागत है। आप बैठे, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाता हूँ।
रमेश ने गुरुजी को खाना परोसा। गुरुजी ने प्रसन्न मन से वो खाना खाया और फिर बाद में पूछा, खाना बहुत अच्छा था, मन प्रसन्न हो गया। रमेश बताओ, मैंने तुम्हें जो चावल दिए थे उनका तुमने क्या किया? मैं समझ गया था गुरुजी, आपने वो चावल किसी प्रयास से ही दिए होंगे। मैंने उन चावल को अपनी खेती में लगाया और उनका ख्याल रखा। उनसे बहुत अच्छी फसल हुई और बाजार में उनका अच्छा भाव मिला। उसके अलावा मेरे लिए भी चावल रखे हुए हैं। उससे अगले साल खेती करूंगा। गुरुजी, इन चावल ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। अरे वाह रमेश, अति उत्तम। एक चावल युगो युगो तक तुम्हारा साथ देंगे। अब मैं चलता हूँ। और गुरुजी प्रसन्न होकर वहाँ से चले गए। बच्चों, आपने देखा, मैंने रमेश, सुरेश और उमेश को एक ही ज्ञान दिया और तीनों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग काम किया। तो हमें इससे यह सीख मिलती है, गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान तो देते हैं, पर उन शिष्यों को अपनी बुद्धि से ही काम करना पड़ता है। तो आप सोचे, आपको अपनी बुद्धि से क्या करना है।